हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एकदम नया पैटर्न लेकर हाजिर हूँ। आपको ये पैटर्न पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धागे को इस तरह पकड़कर इसमें गांठ लगाएंगे और 5 चैन लेंगे। इस तरह गांठ लगाकर 5 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन लेने के बाद अब हम जो फर्स्ट चैन थी इसमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम इस धागे को लंबा खींचेंगे इस तरह से, और इसको जो हमने चैन से रिंग बनाई है उस रिंग में से निकालेंगे। ये देखिए, इस धागे को इस तरफ पकड़ेंगे और हमें इस तरह से 3 बार निकालना है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह बुन देंगे और एक चैन लेंगे। फिर इस धागे को लंबा खींचेंगे और जो हमने चैन ली थी इसी चैन में से हमें 3 बार इसी तरह से बुनना है। 1, इस पे उंगली रखेंगे, 2, 3 3 हो गया। अब यहाँ उंगली रखते हुए जो रिंग में से फिर से हम बुनेंगे, 1, 3 बार बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर हम एक चैन लेंगे। ये देखिए आप, फिर ये धागे को लंबा खींचेंगे, जो हमने चैन बुनी थी इसी चैन में से फिर से हम इसी तरह से निकालेंगे। हर बार हम 3 बार करते हुए करेंगे, फिर रिंग में से बुनेंगे, 1, 2, 3 फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। एक चैन लेंगे, फिर से धागा लंबा खींचेंगे, फिर से इसी चैन में से 3 बार निकालेंगे, 1, 2, 3 फिर अब इस रिंग में से निकालेंगे। इस धागे को इस तरह से छुपा देंगे हम, 1, 2, 3 तीनों में। अब इनको एक साथ बुन देंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए मैंने 8 बार इसी रिंग में से बुन दिया है। अब ये लास्ट वाली चैन में इस तरह से फिर से हम बुनेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह, और जो हमने पहली चैन ली थी पफ लिया था उसमें इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, हमने 8 बार इस रिंग में से बुना था, 8 पफ हो गए ये। अब इस धागे को लंबा खींचेंगे, फिर से हमें उसी चैन में से बुनना है जहां से हमने वो अटैच किया था। 3 बार करके इस तरह बुनेंगे, एक चैन लेंगे, फिर से इस चैन में से बुनते हुए हम इस तरह से, फिर इसी चैन में से जहां से हमने ये एक पफ लिया था उसी चैन में से हम फिर से एक ही चैन में से 2 बार पफ बनाएंगे। फिर इनको एक साथ बुन देंगे, फिर लंबा खींचेंगे। हर बार हमें 3 धागे लेने हैं पफ बनाने के लिए, हम 3 बार लेना है। फिर से अगले वाले में से बुनेंगे हम, अगले वाले जो पफ वाली बनाते हुए हमने जो चैन ली थी उसी चैन में से हम इसको बुनेंगे और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर से जो चैन ली थी हम इसमें से बुनेंगे। ये देखिए, फिर वापस से जो हमने एक पफ बनाया है उसी चैन में से
इसी में से हम बुनेंगे, यानी एक चैन में दो पफ बनाएंगे। अब हर एक चैन में दो पफ बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने इस तरह से। अब जो लास्ट वाला स्टिच था इसमें हम इसको जोड़ेंगे। तीन बार हम इस तरह धागे से पफ बना लेंगे, एक चैन लेंगे और जो हमने पहली चैन ली थी उसमें अटैच कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से हम धागा लंबा करेंगे और उसी जहां से हमने अटैच किया था उसी फंदे में से चैन में से हम फिर से पफ बनाएंगे। तीन बार धागा निकालते हुए हम पफ बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में से हम एक पफ बनाएंगे फिर से उसी चैन में से। ये देखिए फिर से हम जहां से एक पफ लिया था उसी चैन में से फिर से हम एक में दो पफ बनाएंगे। ये देखिए फिर एक पफ बनाएंगे इसमें जहां से हमने दोनों को बुना था। फिर नेक्स्ट वाली चैन में हम पफ बनाएंगे। पहले वाले हम दो लिए, इस अगले वाले में हम एक लिया फिर दो लेंगे एक चैन में से। अब इस वाले चैन में से हम दो पफ बनाएंगे, दो पफ स्टिच बुनेंगे। ये देखिए फिर एक पफ बनाएंगे इस चैन में। फिर इसमें हम दो पफ लेंगे। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक चैन में एक पफ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में दो बनाएंगे। पहले में दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसी तरह से जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। फिर अगले वाले में अगली लाइन जो हम बनाएंगे उसमें दो, एक चैन में दो लेंगे, फिर दो में एक लेंगे, फिर अगले वाले में दो लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर देंगे। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।